मोड ना, थर्मल स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। सो द क्वेश्चन इज वी हैव टू अरेंज ट्राईहाइड्राइड्स ऑफ निकोजन फैमिली इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो अरेंज, पहले क्वेश्चन लिखेंगे प्रॉपर अपने नोटबुक में। अरेंज अमोनिया, फॉस्फाइन, आर्सिन, स्टिबाइन एंड बिस्म्यूथाइन इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर राइट प्रॉपर क्वेश्चन फर्स्ट। सो आंसर बनाएंगे इसका हम लोग। पॉइंट नंबर वन लिखिए आप, थर्मल स्टेबिलिटी होता क्या है। थर्मल स्टेबिलिटी बेसिकली रेफर करता है, अगर दो बॉन्डेड एटम हैं तो इसको इतना हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग सो दैट इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाए। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी इज समथिंग विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम बिकॉज वी आर डीलिंग विद ट्राईहाइड्राइड्स ऑफ निकोजन फैमिली एंड दे आर ऑल हेल्ड और बॉन्डेड टूगेदर बाय अ कोवलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पर इम्प्रोवाइज करेंगे कस्टमाइज करते हुए प्रेजेंट केस के हिसाब से, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज आई एम यूजिंग। सो थर्मल स्टेबिलिटी इज समथिंग विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। प्रेजेंटली इट इज एन एन एच, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, या फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, एटसेट्रा लाइक दैट। कंसेप्ट नंबर टू पे आ जाइए आप थर्मल स्टेबिलिटी के। तो सर फिर इसके अकॉर्डिंग तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी थर्मल स्टेबिलिटी। वंडरफुल, दैट इज व्हाई आई टेल यू आर इंटेलिजेंट चाइल्ड। बिल्कुल सही पकड़ लिया तुमने। देखो आप, तुमको एक बात मैंने और क्लास में बताई थी, दो सिमिलर साइज के एटम पुट टुगेदर एंड इफ दे आर बिगर इन साइज एंड देन दो सिमिलर साइज के एटम पुट टुगेदर एंड दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दो सिमिलर डिससिमिलर साइज के एटम पुट टुगेदर, वन इज बिग वन इज स्मॉल, इनके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है बच्चा। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इज समथिंग लाइक दिस, ये मैंने बताया तुमको क्लास में। सो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, ये लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। सो अब इसके बेसिस पे तुमको स्पष्ट दिख रहा है, इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो साइज है अमोनिया में, इफ यू टॉक अबाउट अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साइजेस कंपेरेबल है ऑलमोस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है वंश? इट्स स्मॉल। और फॉस्फोरस, PH3 की बात करें, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का साइजेस कंपेरेबल नहीं है ना भाई, देयर इज अ डिससिमिलैरिटी इन साइज। तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, अमोनिया की या फॉस्फाइन की? अमोनिया की। अमोनिया की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और अगर अमोनिया की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इफ द बॉन्ड एनर्जी इज मोर देन इवन थर्मल स्टेबिलिटी इज मोर। तो अमोनिया इज हैविंग मोर थर्मल स्टेबिलिटी देन फॉस्फाइन। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं यही लिख दे रहा हूँ आपके लिए, अमोनिया इज हैविंग हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, फॉस्फाइन, आर्साइन एंड देन स्टिबाइन एंड देन बिस्मिथाइन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल। ये भी तो है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। शाबाश शाबाश, वंडरफुल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। मैं तुमको अभी यही एक्सप्लेन करता हूँ, वापस पेज दिखा दूंगा सबको। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना रहा है उसे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है ना, आपस में तो नहीं बना रहा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ऐसे बन रहा है ना, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं ना वंश। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से मतलब नहीं है ना हमारा, हमारा थर्मल स्टेबिलिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, समझ रहे मेरी बात को। थर्मल स्टेबिलिटी अगर सर नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी में तुमको ये थर्मल स्टेबिलिटी में तुमको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है ना, यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तुमको बॉन्ड ए ब्रेक करना है थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको तो जरूरत पड़ती है बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने में। ये बॉन्ड टाइप बी अगर कर लें तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करता है, तो इसको कोई मतलब नहीं।
सो मैं लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थर्मल स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता. क्लियर लिखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी इज टोटली द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. समझ में आ रही मेरी बात सब लोगों के? तो थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर सीखा हम लोगों ने? तो सर मतलब जहाँ पे ए बॉन्ड था वहाँ पे एन है, उस एन की जगह एच होता तो वो पॉइंट वैलिड होता. फिर से बोलो क्या बोल रहा? जो ए पॉइंट है जहाँ पे ए बॉन्ड बनाया वहाँ पे अगर एन की जगह एच होता तो वो पॉइंट वैलिड होता. एन की जगह एच होता तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हो? जैसे तुम ये बोलना चाह रहे हो यहाँ पे एच और एच. नहीं मैं बोल रहा हूँ सर अगर एच एच बॉन्ड होता हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो दे आर ऑलरेडी हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, तो फिर जरूरत क्या पड़ती है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की? जैसे मान लो H2 है भी तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी बनता है आपस में, नहीं बनता ना. तो ये बात ये वैलिड नहीं, तुम्हारे सोच है ये वैलिड पॉइंट नहीं है, ठीक है? इसको अपने पास रखेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे. तो हमने इनके थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर डिसाइड किया है? अमोनिया इज हैविंग द हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी एंड सब्सिक्वेंटली इट इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग. क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है निकाल के मेरे से क्रिस क्रॉस करोगे राइट नाउ राइट अवे.